जोजे, तुम क्या कर रहे हो? मैं कैरेट उगा रहा हूँ ताकि मैं एक स्वादिष्ट कैरेट केक बना पाऊँ, पर बुरी बात यह है कि इन्हें उगने में बहुत समय लगता है। थोड़ा सब्र करो, हर छोटे पौधे को उगने में समय लगता है। क्या हुआ जोजे? यहाँ पर कुछ है। देखो मुझे क्या मिला। वाह, ये तो संदूक है। क्या ये खजाना हो सकता है? एक खजाना, दुनिया की सबसे स्वादिष्ट कैंडीज। चलो पता लगाएं। अरे नहीं, ये खुल नहीं रहा। इसको अंदर ले जाकर खोलने की कोशिश करते हैं। कमाल हो गया, ये काम कर गया। इसके अंदर क्या है? खजाना? इसमें तो सिर्फ एक नोटबुक और एक पेंसिल है। एक विश नोटबुक। तुम्हारी विश पूरी होगी, तुम्हें मिलती हैं 3 विशेस। सिर्फ इमरजेंसीज में ही इस्तेमाल करें। वाह, मैं तो हमेशा से यही चाहता था। अब केक बनाने के लिए कैरेट्स के पूरी तरह उगने का इंतजार नहीं करना होगा। जोजे, इसमें लिखा है कि नोटबुक का इस्तेमाल सिर्फ इमरजेंसी में ही किया जाना चाहिए। कैरेट केक भी तो इमरजेंसी है। मैं अपनी विश ड्रॉ करूंगा, फिर इस नोटबुक को दूर रख दूंगा। अरे वाह, कैरेट केक बन गया। ये बिल्कुल मेरी ड्राइंग जैसा है और इसका स्वाद है कुछ भी नहीं। ये तो अजीब बात है, जरा मुझे चखने दो। याक, नोटबुक ने तो गड़बड़ कर दी। इसने ड्राइंग की तरह एक खूबसूरत केक तो बना दिया, मगर स्वाद को भूल ही गई। अगर तुम अपना खुद का केक बनाओगे तो बेहतर रहेगा जोजे। सही कहा, ऐसा बेस्वाद केक तो किसी को भी नहीं चखना चाहिए, इसीलिए मैं अब ये बनाऊंगा। बनाओगे? मुझे लगा तुम कैरेट्स के उगने का इंतजार करने वाले हो। मैं उनके उगने का इंतजार करूंगा, पर ज्यादा देर तक नहीं। टाटा। और अब कैरेट्स कहाँ हैं? ये क्या है? जोजे, ये कैरेट्स नहीं, ये तो मेगा कैरेट्स हैं। नोटबुक समझ नहीं पाई कि मुझे क्या चाहिए, और अब मेरे पास पूरी जिंदगी के लिए कैरेट्स हैं। ये मुझे करने दो। जोजे, ये कैरेट्स तो घर को नीचे गिरा देंगी। बस यही बाकी था, मुझे सिर्फ कैरेट केक चाहिए था और मुझे कैरेट वाला घर मिल गया। हमें जल्दी करना होगा, इन्हें बाहर निकालना होगा। मुझे लग ही रहा था कि नोटबुक में कुछ गड़बड़ है। तुम्हें अपनी विशेस मिटानी होंगी। विशेस मिटानी होंगी? मुझे पता है। तुमने क्या बनाया जोजे? कहीं इससे कुछ और गड़बड़ ना हो जाए। एक इरेजर। उम्मीद है ये काम करेगा। जोजे, ये काम कर गया। क्या कोई कैरेट्स बची हैं? अरे वाह, इंतजार का फल मीठा होता है।